अब आइए आपसे एक और बात पर चर्चा करते हैं। पहले गृहिणियों को जो रसोई घर में काम करती थी और वैसे भी महिलाओं को लड़कियों को तुलनात्मक अध्ययन में चश्मा कम लगता है या आंख की बीमारियों से, यदि कोई पुरानी प्रॉब्लम हो बीमारी हो अलग है, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन में महिलाओं को लड़कियों को चश्मा कम लगता है और जो गृहिणियां हैं उनको बहुत ही कम लगता है। आजकल हम जरूर ये जो मॉनिटर इस्तेमाल करते हैं ये हमारी आंखों को चश्मा लगाने के मजबूर करती है, चश्मे के अलावा ये हमारी आंखों को और प्रकार की परेशानियों में डालते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आप एक बात को जरा जानिए, किस तरह महिलाओं को चश्मे से बचत होती थी या बच जाती थी। जो आज तुलनात्मक रूप में कम हो गया है लेकिन फिर भी अभी समाप्त नहीं हुआ, फिर भी महिलाओं में वो चीज विद्यमान है। इसको आइए समझते हैं होता क्या है। महिलाएं जब अपने समय पे किचन में जाती हैं, रसोई घर में जाती हैं, रसोड़े में जाती हैं, तो वो सब्जियां काटती हैं वगैरह वगैरह। जिन घरों में प्याज कटता है, अब आप इस बात की तुलना 40-50 वर्ष पुराने काटने से दीजिएगा। प्याज जब पहले कटता था तो आपकी आंखों में मतलब बहुत आंसू आ जाते थे जो प्याज काटता था। प्याज काटना भी कलाकारी होती थी यार, आंखों में भी आंसू आने, अभी मुझे प्याज काटना है। वो था हमारा प्राकृतिक प्याज, ऑर्गेनिक प्याज। धीरे धीरे अब क्या हो गया, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज आ गए हैं, आपको पता है प्याज भी हाइब्रिड ब्रीड हाइब्रिड प्याज आता है, तो इसमें अब उतने आंसू नहीं आते। आंसू दुख का कारण हो सकते हैं लेकिन आंसुओं का आना आपकी आंखों के लिए बेहतर होता है, आपकी आंखों को आंसू नम रखते हैं। महिलाएं क्योंकि भावनात्मक रूप से बहुत भावुक होती हैं, इसलिए उनका रोना तुलनात्मक रूप से अधिक होता है पुरुषों के मुकाबले में, या पुरुष को यह समझाया जाता है तुम मर्द हो तुम्हें रोना नहीं आना, यह भी हो सकता है। तो महिलाएं जब रोती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं। जब वो किचन में होती थी तो उनकी रोज की प्रक्रिया में जब वो प्याज काटती थी तो उनके आंखों में थोड़ा बहुत आंसू आता था। तो आंसू आने के लिए प्याज के अंदर से एक रसायन निकलता है जो हवा से रिएक्शन करता है और आपकी आंखों में आंसू लाता है। अब काम चलता रहता था, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड अनियन में या प्याज में वो आंखों से आंसू अब नहीं आता। तो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड अनियन ने या हाइब्रिड अनियन ने या हाइब्रिड प्याज ने क्या किया, एक कि आपकी आंखों पर आंसू आना कम हो गया। शायद आपको लगे बहुत अच्छा हो गया रसोड़े में हमारे घर की महिलाओं को आंसू नहीं आते, लेकिन ये आंसू आंखों की सेहत के लिए बड़े अच्छे थे। अब क्या होता है, जब आप निरंतर टेलीविजन देखते हैं, मोबाइल फोन पर लगे रहते हैं, तो आपकी आंखें प्रति मिनट जितनी पलक झपकनी चाहिए लगभग 18 से 20 बार एक पलक झपकती है मिनट के अंदर। अगर आपकी पलक झपकनी बंद हो जाती क्योंकि आप खुली आंख से कोई मोबाइल का सिग्नल देख रहे हैं, मतलब स्क्रीनशॉट देख रहे हैं या स्मार्टफोन को देख रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो आपकी आंखें निरंतर खुली रहती है और बंद नहीं होती है। जब बंद नहीं होती है तो आपको आंखों में जो आंसू जो तरलता है वो धीरे धीरे खत्म होती है। इसलिए आज बड़ी कॉमन सी परेशानी आ गई है कि जी मुझे आंखों की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स ने बड़ा अच्छा आसान दे दिया, और दिया क्या, जो उनको जो ठीक लगा वो दिया, उसमें गलत कुछ नहीं है। रिफ्रेश टीयर्स नाम की चीज ने, आप कृत्रिम आंसुओं को आंखों में डालें जिससे आपकी आंखें तरल रही, आपकी आंखें तरल रहेंगी तो आपकी आंखों में सेहत बेहतर रहेगी। आज भी अब जब जहां भावुकता की बात आती है, महिलाएं कन्याएं अधिक भावुक है, वो रोती अधिक है, तो उनकी आंखों में फिर आंसू आते हैं। लड़कों की पुरुषों की पहली बात तो आंखों में आंसू भावनात्मक रूप से कम आते हैं, दूसरा उनको ज्यादा काम आजकल जो दफ्तर में हो गया है उसके वजह से उन्होंने ज्यादा टाइम स्क्रीन पर रहना है, तीसरी हमारी जो मोबाइल पर लत लग गई है
उसको देखे बिना हम रह नहीं सकते स्मार्टफोन को, उसकी वजह से हमारी आंखें निरंतर खुली रहती है। तो जो 17 से 18 से 20 बार प्रति मिनट आंखों ने झपकना था पलक, वो भी नहीं झपकती है। इन सब का असर क्या हो गया, हमारी आंखें शुष्क हो गई, सूख गई है। इसलिए आपको आर्टिफिशियल रिफ्रेशर टीयर डालने पड़ते हैं। और जो आंखों के मॉइस्चराइजिंग के लिए, मैं मेडिसिन के पॉइंट से बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आज भी आंखों को इस्तेमाल करते हैं प्याज काटने में, जिनको थोड़े बहुत भी आते हैं आंसू, क्योंकि बहुत तो कम ये हाइब्रिड ब्रिज से हो ही गया। आप पता करो जो आंखों के पुराने डॉक्टर थे कि जी रिफ्रेश टीयर्स वगैरह या इनकी आवश्यकता कब से पड़ी है, तो आपको पता लगेगा पिछले कुछ वर्षों से, जब से स्मार्टफोन आया है या लैपटॉप पर अधिक काम हुआ है। अब हमारे आज के बच्चों को शिक्षा के नाम पर जो दिया गया, ये एक लैपटॉप से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, सबकी आंखों में वो शुष्कता की प्रॉब्लम तो शुरू हो गई। अब पहले क्या था, आपको याद होगा, धूल मिट्टी से हम आए हैं, हमने आंखों को पानी से धो लिया, साफ पानी से धो दिया, गुलाब जल से धो दिया, और हमारी आंखें हम इस तरह स्वस्थ रखते थे। बाकी यौगिक तरीके से आप त्राटक करते थे, किसी चीज को ध्यान से थोड़ी देर तक देखते थे, इतनी देर तक कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए, इसको त्राटक कहा करते हैं योग की भाषा में। लेकिन अब स्क्रीन को आपने इतनी जल्दी हिलाना है, आप देखिए कभी आप ऐसा है कि आप स्क्रीन के ऊपर बड़ी देर देख पाते हैं, आप स्क्रीन को देख भी रहे हैं तो उसमें स्क्रॉल करते हुए देख रहे हैं, उसमें बहुत सी चीज लिखी हुई है, तो आप किसी चीज पर एकटक नहीं होते हैं। तो जब एकटक नहीं होते तो आपकी आंखें एकाग्रत नहीं होती है, एकाग्रत नहीं होती तो आंखों में से जो प्राकृतिक रूप से आंसू निकलने की प्रक्रिया है, जो त्राटक के दौरान हम महसूस करते हैं, वो भी नहीं होती है। तो इन सारी चीजों से हुआ क्या, आपकी आंखों में यूजुअली जितने आंसू आने थे उतने अब आते नहीं, और ऊपर से इस मोबाइल और ये स्क्रीन वर्ल्ड ने हमारी आंखें, और उस दोनों चीजें हो गई ना, स्क्रीन वर्ल्ड में हम ज्यादा देर रहने लग गए, इसकी वजह से हमारी आंखें पलकें झपकना भूल गई, हमने क्या किया, कृत्रिम रूप से आंखों में आंसुओं को डाला, और जो प्याज काटने से हमारे पास होता था आंसुओं में, वो भी खत्म हो गया, भावनाएं भी समाप्त होती जा रही हैं अब, क्योंकि रोना क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन रोना भावनात्मक रूप से आवश्यक भी है, आपके हृदय की पीड़ा समाप्त हो जाती है रो धोकर, वो रोना भी पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी अब सिखाया जाता है कि यार ये कमजोरी की निशानी है, उन्होंने रोना भी बंद कर दिया। तो इन सारी चीजों से हुआ क्या, आपकी आंखों में परेशानियां बढ़नी होगी। और आज भी आप देखिए, जो ज्यादा अभी पिछले दिनों जब 2 साल आप लोग आंखों में लैपटॉप पर काम करते रहे या लैपटॉप या मोबाइल पर पढ़ते रहे, जो बच्चे देखिए उनकी आंखों में चश्मे लग गए, उनकी आंखों पर आंसू आने की प्रॉब्लम आज नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द आपको रिफ्रेश टीयर्स जैसी कृत्रिम दवाइयों से अपनी आंखों को चलाना पड़ेगा। ये हुआ कि आप समझिए कि किस तरह, अब मैं इस बात को अगर दूसरे शब्दों में कहूं शायद लोगों को थोड़ी अजीब सी लगे, कि कब से जीएम फूड बनाया, उनको मालूम है कि जीएम फूड में प्याज में आंसू नहीं आएंगे, प्याज में कटेगा नहीं, आंसू नहीं आएंगे, आंसू नहीं आएंगे, तो ऊपर से होगा क्या, आपकी आंखों को जो आंसू आकर आपकी आंखों को स्वस्थ रखते थे वो नहीं होगा। इस कारण से लोगों की आंखों में चश्मे आ गए, मेरी भी आ गए, ये थोड़ी कि मुझे नहीं पता मैंने भी कुछ किया होगा, लेकिन कम से कम आगे आने वाले समय के लिए हम इस बात को समझ सकें, अपने आप को धीरे धीरे छोटे छोटे तरीकों से बचा सकें, यह बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम जानकारी हम आगे प्रेषित कर सकें। धन्यवाद।